विजयदशमी पर्व को लेकर मनाने को लेकर यहाँ पर तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं, यानी कि आज दशहरा का पर्व है। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी आज के दिन। यहाँ पर इस वक्त हम गांधी पार्क के मेले में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मेला लगना भी शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेले की छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर लग गई हैं। और सुरक्षा की अगर हम बात करें, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पर मेला लगना शुरू हो गया है। अगर आपको दिखाएं वहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से, आप देख सकते हैं यहाँ पर गोलगप्पे चाट टिक्की लग गई हैं। और शाम 5 बजे यहाँ पर एक यात्रा निकाली जाएगी और ठीक 8 बजे यहाँ पर रावण का दहन होगा। बड़े बड़े पुतले यहाँ पर लगाए गए हैं। रावण का पुतला है, कुंभकर्ण का पुतला है और उनके बेटे मेघनाथ का पुतला है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े यहाँ पर पुतले बनाए गए हैं, जिसे 1 महीने पहले से ही बनाने के लिए शुरुआत कर ली जाती है। और लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो भी जुटनी शुरू हो गई है। इतना बड़ा यहाँ पर गांधी पार्क का ये मैदान आप देख रहे हैं, कितना बड़ा है। माना जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 30,000 से ज़्यादा आज यहाँ पर श्रद्धालु जुटेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रथ भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये रथ यहाँ की जो रैली निकाली जाएगी, शोभा यात्रा जो निकाली जाएगी, उसमें यहाँ पर शामिल होंगे। और चलिए बातचीत करते हैं यहाँ पर, ये जो रावण बनाया गया इतना फिट ऊँचा, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से उन्होंने बनाया और कितना समय लगा। मेरा नाम मोहम्मद इंतजार है जी, मैं कस्बा चरथावल जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। तो आपने ये रावण का पुतला बनाया, मेघनाथ का पुतला बनाया, कुंभकर्ण का पुतला बनाया, कितना समय लगा होगा और कब से तैयारी कर रहे हैं? इसमें 1 महीना लग गया जी, 11 आदमियों की हमारी टीम है, 1 महीने से काम कर रहे हैं स्कूल में आज। और 6 पुतले मैंने बनाए हैं, 3 गांधी पार्क के, 2 टीटू कॉलोनी, 1 आवास विकास का। जो गांधी पार्क का जो रावण है उसकी ऊंचाई 100 फुट है और मुँह चलने वाला है, हंसने वाला रावण है। मतलब हंस के दिखाएगा जी? हाँ, हंस के दिखाएगा जी। अच्छा। और मेघनाथ की 80 फुट है और कुंभकर्ण की 90 फुट है। तो क्या मेघनाथ या कुंभकर्ण का जो पुतला है वो भी हंस के दिखाएगा? नहीं, खाली रावण चलेगा जी। अच्छा। खाली रावण हंसेगा। तो क्या कुछ मतलब आपने कितने समय पहले इसकी शुरुआत की थी बनाने की? शुरुआत तो यहाँ पे तो 1 महीना हो गया, लेकिन घर पे तो एक बहुत पहले से लगे हुए थे। थोड़ा थोड़ा समय लग जाता है एक पुतला बनाने में? ये इतने लगभग 1.5 महीने करीब लग जाता। और लागत कितने लगती है एक ही पुतले में? एक पुतले में लागत आ जाए 1 लाख रुपए करीब। 1 लाख की? तो 3 पुतले बने अपने यहाँ पर जी। तो इससे पहले भी आप यही काम करते थे या? यही काम चलता रहा जी, पहले से पुराना ही। पहले हम रावण ही बना रहे, बड़े भी हमारे, उस टाइम काम चलता रहा। तो ये कौन सी पीढ़ी चल रही है इस वक्त? ये तीसरी चल रही जी। तीसरी पीढ़ी जी। पहले हमारे दादा बनाते थे, फिर अब्बू बनाते थे, अब हम बना रहे। तो लगातार कई सालों से आप ही बनाते आ रहे हैं? जी जी, 14 साल से मैं यही बना रहा हूँ गांधी पार्क में। तो इसके अलावा भी आपने कहीं और बनाए हैं? हाँ, इसके अलावा और बहुत काम। तो इसमें पटाखे कितने लगते हैं? पटाखे तो इसमें तो लगे हुए 400 इनमें, दोनों में, रावण कुंभकर्ण में, 600 इसमें। तो ये अभी हंस के भी दिखाएगा रात को? तो किस समय का समय रखा गया है इसके दहन के लिए? 8 बजे का समय है जी, 8 बजे प्रधान जी ने जो समय कराया 8 बजे का है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कमेटी के मेंबर भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर बताइए, क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं? काफ़ी समय से तैयारियों में लगे हैं हम। 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है इन चीज़ों में करने के लिए। इसमें हमने भगवान की जैसे अपनी चंदा कलेक्शन वगैरह सब लोगों का योग है इसके अंदर, और मैक्सिमम 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है जिसकी हम तैयारी पूरी कर चुके हैं। अब हमारी शोभा यात्रा चलेगी अंबाला रोड से होते हुए, माल गोदाम से होते हुए, अंबाला रोड से, घंटाघर से होते हुए अंदर आएगी। उसके बाद इस पुतलों का दहन किया जाएगा।
तो दहन का समय क्या रहेगा? दहन का समय मैक्सिमम 8 से 8:30 के बीच। 2 साल बाद कोरोना के बाद ये पर्व आपको मनाने को मिल रहा है, कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत। बिल्कुल है। तो कितना उत्साह है और क्या तैयारियां की गई हैं और किस तरह से आपको प्रशासन की ओर से सहायता दी? प्रशासन से बहुत अच्छा सहयोग मिला है हमें, हर तरह से गाइड मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। और सबसे मेन बात है 2 साल बाद और बढ़ चढ़ के काम हो रहा है, 21 ही हुआ है, 19 कोई नहीं है। तो यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है लोग अभी से आने की शुरुआत हो गई, तो क्या लगता है कितने लोगों की संख्या इस मेले को? मैक्सिमम 30,000 से ऊपर, 30 से 40 ही होती है, कम नहीं होने का। तो दहन कौन अधिकारी यहाँ पर करें? यहाँ पे दहन DIG कंप्यूटर वगैरह किया जाएगा, वैसे अधिकारी वगैरह आएंगे। कंप्यूटर मतलब किस तरह से? बटन दबाएंगे, बटन से होगा, कोई वायरिंग मतलब वायरिंग से होगा, आग वैसे नहीं ध्यान दिए जाएंगे इसको। पहले कैसे होता था? पहले भी ऐसे ही हो रहा है। ये भी देखा गया है और सुनने को भी मिला है कि रावण का जो चेहरा है वो हंसेगा भी। बिल्कुल हंसेगा। कुछ न्यू हो रहा है इस बार? बिल्कुल न्यू हो रहा है, हमेशा हुआ है, लेकिन इस बार भैया ने बहुत अच्छा करा है और बहुत, आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, उसमें ज़्यादा और अच्छा लगेगा ये जब रात को देखेगा तो और डबल हो जाएगा ये। इस वक्त हम यहाँ पर रेलवे कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ पर पार्षद चंद्रजीत सिंह निक्कू के निर्देशन में, नेतृत्व में यहाँ पर एक मेला लगाया गया और यहीं पर रावण का दहन भी होगा। यहाँ पुतले भी बड़े बड़े बना दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेला लगना भी शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर वालों का मशहूर तोहफा शाह, यहाँ पर बढ़िया से टिक्की चाट लग चुकी है, अंकल यहाँ पर रेडी कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पर गरम गरम टिक्की रेडी होनी शुरू हो गई है। यहाँ पर स्टॉल आपको मिल जाएगा, यहाँ पर मोमोज आप खा सकते हैं, आंटी अंकल यहाँ पर मोमोज लगा रहे हैं और साथ ही साथ आप देखें यहाँ पर चाट के साथ साथ आइसक्रीम भी मिल रही है। बहुत बड़ा यहाँ पर मेला लग रहा है, अगर गांधी पार्क के अकॉर्डिंग के हम यहाँ पर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर व्यवस्थाएं मुझे ज़्यादा सही देखने को मिल रही है। लोग बाग भी यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बड़ा सा मेले में यहाँ पर चाट टिक्की का भी मिल जाएगा आपको, स्टॉल्स मिल जाएंगे आपको। इस मेले में आपको यहाँ पर बड़ा सा झूला मिल जाएगा, देखो यहाँ पर बच्चे कितना अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई? देखिए निश्चित रूप से आज का जो विजयदशमी का त्यौहार है, बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में हम इस त्यौहार को मनाते हैं। पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया आज इस त्यौहार को मना रही है और हम भी 31 वर्षों से इस मैदान में लगातार इस कार्यक्रम को कराते चले आ रहे हैं। रेलवे यूथ सोशल क्लब द्वारा अद्भुत पुतले भी हमेशा से बनाए जाते रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में सर्वप्रथम घूमती हुई गर्दन वाला रावण का पुतला हमने बनाया था, चलता हुआ पुतला आज भी हिंदुस्तान में सिर्फ हमारे ही मैदान में चलता है। और इस बार हमारे मैदान में जो पुतला है उसमें एक के पेट में से धुआं निकलेगा, आग निकलेगी और पुतले के जो हाथ हैं वो कट करके पहले अलग गिरेंगे, जैसा कि रामानंद सागर में कुंभकर्ण के साथ हुआ था, वो हमने प्रत्यक्ष आज हम दर्शकों को दिखाएंगे। 2 साल बाद विजयदशमी मनाने का मौका मिल रहा है, कैसा लग रहा है? नहीं, कितना उत्साह है? देखिए पिछले वर्ष भी हम लोगों ने इसी उत्साह से मनाया था, 1 साल हम लोग पूरे उत्साह से नहीं मना पाए, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से हमने 15 फुट के एक पुतले का निर्माण करके इसी मैदान में पुतला दहन करके परंपरा को जिंदा रखने का काम किया था और वो बहुत ही शुष्क प्रोग्राम था, लेकिन हमने इस परंपरा को जीवित रखने का काम किया है। और इन कार्यक्रमों को देख कर जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सही मायने में समझ पाती है कि क्या हुआ होगा, वरना आज आप देखिए कि लोग टीवी सीरियल्स और मोबाइल गेम में बच्चे लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश के जो धर्म गुरु रहे हैं, जो हमारे भगवान रहे हैं, उनका जो संघर्ष उन्होंने किया है वो आम जन तक पहुंचे, बच्चे समझ पाएँ कि किस तरीके से उस दौर में हम लोगों ने संघर्ष किया होगा। भगवान राम का वनवास आप देखिए कि जिसको आदमी को सुबह को राजपाट मिलने जा रहा था वो वनवास की ओर चला गया, तो ये त्याग, अपने पिता के वचन को निभाना, ये एक इतना बड़ा संदेश है। और 14 साल में उन्होंने पूरी राक्षस योनी का नाश किया, समूल नाश किया। हम चाहते हैं कि आज भी हमें एक राम की ज़रूरत है जो इस पृथ्वी पर मौजूद राक्षसों का नाश करे और पूरी दुनिया सुख शांति से जिए। पुतले बनाने में कितना समय लगा होगा जो कारीगर यहाँ पर लगा? देखिए लगभग 15-20 दिन हमारे पुतले बनाने में लगते हैं,
और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे पुतले बनाने वाले भी बाहर से आते हैं, हम लोग भी लगभग 15-20 दिन उनके साथ लगातार काम करते हैं। और आखिर के जो 5 दिन होते हैं जब पुतला लगभग तैयार हो चुका होता है, कुछ जानवरों का डर रहता है, कुछ छोटे बच्चे जो जोश में पुतले को टच करते हैं वो उसे हिला देते हैं शौक में, तो उनसे सुरक्षित रखना, क्योंकि वो बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें ज़्यादा डांट भी नहीं पाते, तो वो बड़ा मुश्किल काम हम लोगों के लिए होता है कि अगर किसी को ज़्यादा डांट दिया तो उसके माँ बाप नाराज़ हो जाएंगे कि बच्चा ही तो था। लेकिन इनको बचा के रखना जानवरों से, गाय भैंस जो मैदान में आ जाती हैं उनसे हमें बचाना पड़ता है। तो ये लास्ट का जो समय होता है हमारा बड़ा टफ होता है, हमें सिक्योरिटी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मेन गेस्ट के रूप में आपने किन्हें इनवाइट किया आज? देखिए, हमारे जो समारोह अध्यक्ष हैं वो योगराज सैनी साहब हैं, सहायक मंडल शिक्षा निदेशक हैं। हमारे उद्घाटनकर्ता COGRP जो हैं धर्मेंद्र कुमार यादव जी हैं, मोनिका चौहान महिला थाना प्रभारी हैं, और प्रीता सिंह जी जो हैं महिला थाना प्रभारी हैं वो GRP थाने से। हमारे चीफ गेस्ट पूनम पंडित जो किसान नेता रही हैं, कांग्रेस की नेता रही हैं, और विनोद शर्मा जी जो सामाजिक संगठन है परशुराम सामाजिक संगठन उसके अध्यक्ष हैं, और उसके अलावा हमारे प्रवीण सैनी जो नगर निगम के ठेकेदार हैं वो पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे। पुतला दहन का जो कार्यक्रम रहेगा वो किस समय रहेगा? लगभग 8 से 8:30 के बीच में हम लोग पुतला दहन कर लेते हैं। 3 पुतले हैं तो तीनों को जलाने में 10-15 मिनट का गैप रहता है, क्योंकि आतिशबाजी भी बेहतरीन होती है। पूरे सहारनपुर में सबसे अच्छी आतिशबाजी हम करते हैं, हज़ारों की भीड़ होती है, और जो बच्चों का चार्म है वो आतिशबाजी देखने का है पुतलों के साथ साथ, तो इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। ये कुंभकर्ण का पुतला आप देख रहे हैं और इन्हीं के पेट में से धुआं भी निकलेगा, और जिस धुएं में अलग अलग कलर के जो कलर्स निकलते हैं वो दिखाई देंगे और आग में निकलेगी, और साथ ही साथ ये जो हाथ दिख रहे हैं आपको वो भी टूट कर गिरेंगे। ये कितना बड़ा ग्राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर ग्राउंड में झूले लगे हुए हैं, बड़े बड़े झूले यहाँ पर लगा दिए गए हैं, खाने पीने की सारी चीज़ों की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, बच्चे भी यहाँ पर बहुत खूब मज़े ले रहे हैं, और साथ में साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्षद निक्कू जी यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायज़ा भी लेते आपको नज़र आ जाएंगे, और साथ में देखेंगे आप कुछ लोग यहाँ पर सेल्फी लेते नज़र आ जाएंगे, और बच्चे यहाँ पर मेले का आनंद ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लगा दी गई हैं मेले की, कहीं गुब्बारे की दुकानें हैं तो कहीं खेल खिलौने की दुकानें हैं, और कहीं यहाँ पर बड़े बड़े झूले लगा दिए गए हैं। ठीक 8 बजे यहाँ पर रावण का दहन होगा, पुतले जलाए जाएंगे, और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पसंद आने पर थम्स ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।